हुआ है, एक का पोस्टर लॉन्चिंग था आज। सबसे पहले नमस्कार, आदाब, हर हर महादेव। मैं निर्देशक रुस्तम अली चिश्ती। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे परम मित्र बड़े भैया गार्जियन स्वरूप नंदलाल भैया मौजूद हैं आज। इनके ही नहीं, मेरी भी दो फिल्मों का, एक तो पोस्टर लॉन्च और एक का हम लोग मुहूर्त के, जिस फिल्म का नाम है सैया जी MBBS, और साई इंटरटेनमेंट वर्ल्ड के बैनर तले ये फिल्म बन रही है, जिसके बड़े भैया ये सिद्धि इंटरटेनमेंट के बैनर तले ये फिल्म बन रही है, जिसके प्रोड्यूसर हैं हमारे बड़े भैया नंदलाल आर पांडे जी। और सबसे खुशी की बात है कि आज हम लोगों का पोस्टर लॉन्चिंग करने का कारण ये था कि आज विजयदशमी है, उसके शुभ अवसर को हम भैया से राय लिए, तो भैया बोले कि नहीं, इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है। बस ये टाइटल की अगर बात करें, तुमसे मिलने का तमन्ना है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये बहुत ही रोमांटिक फिल्म है और जो फैमिली ड्रामा आज के डेट में चल रहा है उससे रिलेटिव है चीज़ें, और हम दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि ये फिल्म हर फिल्मों से थोड़ा सा अलग हट के अलग कॉन्सेप्ट पर बनी हुई है। जैसे आपको टाइटल से ही लगता है तुमसे मिलने की तमन्ना है, इंसान तमन्ना उसी से रखता है कि जो ख्वाहिश होती है ना इंसानों की, कि एक मुझे ख्वाहिश है किसी चीज़ को पा जाना। तो हम फिल्म देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि वाकई में हीरो का तमन्ना है किस चीज़ का। हो सकता है कि पिताजी का प्यार का तमन्ना हो, माँ का प्यार का तमन्ना हो, बीवी का प्यार का, मैंने अभी तो नहीं बता सकते क्योंकि अब लास्ट स्टेप पर मेरा फिल्म है। बहुत जल्द हम ट्रेलर लॉन्च भी करेंगे, इसका आप लोगों से रूबरू कराएंगे। इसमें कौन कौन स्टार कास्ट है और इसकी शूटिंग कहाँ कहाँ हो रही? इसके शूटिंग तो भाई साहब समाप्त हो चुकी है और पोस्ट प्रोडक्शन भी कम्प्लीट हो चुकी है। इसका शूटिंग हम लोग किए थे बनारस में जी। और स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें हमारे परम मित्र बड़े भाई जो हीरो हैं सत्येंद्र सिंह जी, जो बनारस से हैं और बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं, उनके को एक्ट्रेस हैं काजल यादव, पूजा सिंह, संजय सोलंकी, अनूप अरोरा, अमित मिश्रा, अमित शुक्ला, बहुत सारे कलाकार से भरा हुआ एक फिल्म है। और सर ये सैया जी MBBS में कौन कौन की स्टार कास्ट है? उसमें अभी तो हम कास्टिंग पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज सडनली हम लोगों का प्लान बना कि अभी हम देखते हैं किसको लेकर करते हैं। बस एक अच्छा सब्जेक्ट है, कॉमेडी है। बस सर इसके अंदर कितने कितने सॉन्ग रिलीज किया है आपने? सॉन्ग इसमें कितने सॉन्ग रहेंगे ये पूछ? इसमें तो 6 से गाने हैं सर। आप क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे कि इन्होंने बताया सिद्धि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की पेशकश है, तुमसे मिलने की तमन्ना है। इसके पोस्टर लॉन्च के लिए सिद्धि जिनके नाम पे ये पेशकश है वो खुद ही स्वयं आई है आज दशहरे के दिन पे जो पोस्टर लॉन्च हुआ है। मेरा ये मानना है कि इस दोनों कार्य के वजह से, ये दशहरा भी है, विजयदशमी भी है और अपनी सिद्धि जी खुद आई है यहाँ पे पोस्टर लॉन्च करने के लिए, तो इसके चलते मेरा दावा है कि ये फिल्म एकदम 100% सक्सेसफुल होगा। और मेरी बहुत 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 शुभकामनाएं हैं नंदलाल पांडे जी को और रुस्तम जी को, आगे चल के इससे भी बेहतर फिल्में बनाएंगे और हमें यहाँ पे पोस्टर लॉन्च हो या मुहूर्त हो, किसी भी खुशी खुशी का माहौल हो, ये सब, ये मैं बोल रहा हूँ आपको, तरक्की आप करते रहिए और यही मेरी आपके आपके लिए शुभकामनाएं। हम तो चाहेंगे सर कि आप हमेशा आशीर्वाद आपका बना रहे, साथ बना रहे, हमेशा रहे। पोस्टर ही लॉन्च पर नहीं, हम चाहते हैं कि अगला टीम में आप हमारे साथ दिखें। को पूरी कोशिश करेंगे, हम समय निकाल के आ जाएंगे आपके साथ। पांडे जी आप क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत ही बहुत शुभ दिन है और आपका शुभ दिन में ये दो, एक पोस्टर एक फिल्म के लिए हुआ है फर्स्ट लुक, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नमस्कार सभी मीडिया भाई को, और मैं नंदलाल आर पांडे, और बहुत खुशी की बात यह है कि हम लोग फिल्म बना के अच्छा लेके आए यहाँ पे, और हमारे डायरेक्टर रुस्तम अली चिश्ती जी और कैप्टन राकेश जी जो जिला अध्यक्ष भी हैं और BJP के, तो इनका साथ अपने बच्चे जैसा हमको प्यार देते हैं और कोई भी काम होता तुरंत बोलते हैं तुरंत करो, तो हमारा फर्ज रहता है कि मैं इनके साथ में करूं। सर हम बात करें तुमसे मिलने की तमन्ना की, तो ये दर्शकों के बीच में कब तक आ जाएगा देखने के लिए? बहुत जल्दी आ जाएगी, हो सकता है ऑलमोस्ट दिसंबर एंड में आ जाएगी।
दर्शकों को अक्सर गाने के साथ साथ में फाइटिंग और सब 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 हर चीज मिलेगा, हर क्वालिटी मिलेगा चीजें, वाकई में दर्शक देखेंगे बहुत खुश, बहुत खुश होंगे। पिक्चर बहुत अच्छी बनी है और इसमें हर चीज आपको मिलेगा और साथ में सभी अपने घर के जितने सदस्य सब साथ में बैठ के देख सकते हैं। ऐसा कुछ इसमें नहीं है कि नहीं बर्गर कुछ है, गाने ऐसे कुछ गाने जो है एकदम साफ सुथरे हैं, पूरे परिवार पूरा गाना आराम से घर पे बैठ के सुन सकता है, साथ में बहन बेटी भी साथ में सुन सकती हैं गाने, ऐसे गाने बने हैं। अभी हमारी एक पिक्चर मामा भांजा है वो रिलीज होने वाली है दिवाली पे, उसके पोस्टर भी बनारस में लगवा दिए हमने और बम्बई में भी बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है वो, तो अभी उसके बाद मामा भांजा के बाद मैं राजू बन गया राजा, वो भी पिक्चर हमारी बहुत बन के तैयार है, बन के तैयार है, उसका भी पोस्टर 2-3 दिन के अंदर वो भी लॉन्च होगा। तो ऐसे ऐसे करके हमने प्रेम रोगी था जी, वो भी अब तैयारी उसकी भी हो गई है, वो भी होने जा रही है। अब संयम VVS भाई साहब हैं, इसके बाद हम पांडे जी टाइटल है, हम वो पिक्चर करेंगे। संयम जी MBBS में कौन कौन स्टार कास्ट है? अभी देखिए स्टार कास्ट की बात नहीं, तो अर्जेंट एक बैग ऐसे प्लान हो गया, हम तो पोस्टर लॉन्चिंग का ही आज रखे थे, बाकी हमारे डायरेक्टर बोले कि नहीं सर एक बार करते हैं और इनको मालूम है कि सर को हमने बोला तो कल से शूटिंग चालू हो जाएगी, ये तो बात है, ये समझ लीजिए। तो मैं बोला चलिए ठीक है मुहूर्त कर लीजिए, सर राकेश सर का सहारा मेरे ऊपर हाथ रहता है तो कोई टेंशन नहीं रहता है मुझे, जब चाहे तब चालू कर सकते हैं। तो अभी स्टार कास्ट कुछ खास नहीं है, फिर हमारे हीरो सत्येंद्र जी हैं इसमें हाँ। सर सैया जी MBBS जो आप पिक्चर आप बता रहे हो उसकी शूटिंग का आज मुहूर्त हुआ है और क्या नाम है MBBS जी का, उसका भी कुछ है पोस्टर लॉन्चिंग बताइए कुछ क्या कहना चाहिए। सबसे पहले तो मैं सत्येंद्र सिंह आप सभी दर्शकों का हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं पहले हम तुमसे मिलने की तमन्ना जी। नाम ही में एक भावनाएं छुपी हुई हैं, पब्लिक को ये फिल्म इसलिए पसंद आएंगी क्योंकि लोग लड़की के प्यार के लिए माँ बाप को छोड़ देते हैं, लेकिन इस फिल्म में माँ बाप को दर्शाया गया है कि अपने प्यार को बलिदान कर देता है अपने पिताजी के प्यार के लिए। तो मैं ये फिल्म फैमिली को जोड़ने के लिए है कि न कि तोड़ने के लिए, क्योंकि ऐसी फिल्में अभी तक बनी नहीं है, जो अभी तक जितने भी फिल्में देखेंगे लड़की लड़का घर से भाग गए, माँ बाप को कोई पूछ नहीं, लेकिन इस फिल्म के आने के बाद परिवार क्या होता है, परिवार में माँ बाप की इज्जत क्या होती है, ये दर्शाया गया। इसमें आपका किस तरह का किरदार है सर? इसमें मेरा एक शुरू में नालायक लड़का बाद में बाप से किस तरह प्यार करने लगता है उसका दर्शाया गया। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? सबसे पहले आप सभी दर्शकों को प्रणाम, आप सभी मीडिया बंधुओं को प्रणाम, मैं अखिलेश शुक्ला, और तुमसे मिलने की तमन्ना बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही पारिवारिक फिल्म बनी है, और जब लोग इसको थिएटर में देखने जाएंगे तो एक परिवार में कैसा सामंजस्य होता है लोगों को देखने को मिलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद रुस्तम जी को, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे सर को जिन्होंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई, बहुत धन्यवाद सत्येंद्र भैया को, और हम यही दर्शकों से गुजारिश करेंगे देखिए फिल्म, बहुत मज़ा आएगा, और इसके बाद जो दूसरी फिल्म बन रही है सैया जी MBBS वो भी बेहतरीन फिल्म बनेगी। दोनों में किरदार की बात करें किस तरह का किरदार है सर? मेरा हास्य भूमिका है इसमें, आप एक फैमिली ड्रामा चलते हुए आ रहा है और सत्येंद्र भैया के इसमें एक डमरू का कैरेक्टर कर रहे हैं, डमरू का कॉमेडी कैरेक्टर, कोई भी आके बजा के चला जाता है इनको ऐसा ही है। जैसा कि आपने बोला कि ये पिक्चर कुछ अलग हटके लोगों के सामने आएगी, तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि ये जो पिक्चर है लोगों के बीच में कुछ नए दिशा नए रास्ते दिखाने की शुरुआत हुई है। बिल्कुल, जब ये कहानी हमारे डायरेक्टर साहब रुस्तम अली जी ने सुनाया तो मैंने एक ही बार बोला सर इसको करते हैं, क्योंकि इनकी सोच को जिस तरह उतारे हैं मैं नहीं जानता कि इसके इनके अलावा कोई फिल्म उतार सकता था, और इनका साथ दिया हमारे प्रोड्यूसर नंदलाल आर पांडे जी ने, उन्होंने बोला कि जैसे आपको करना हो कीजिए, तो हमारे जो भी हम लोग किए इसमें हमारे डायरेक्टर साहब का विशेष योगदान है, और इन्होंने एक फिल्म को दिशा दिया है, दिशा दिया, हम लोग तो इसमें पात्र हैं लेकिन जो फिल्म को दिशा देने वाला डायरेक्टर होता है वही मेन होता है। दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे इस दोनों को लेकर फिल्म को लेकर? अभी हम लोग तुमसे मिलने के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि आप इस फिल्म को देखिए, इसलिए नहीं कि फिल्म है देखिए, इसलिए देखिए कि आप इस फिल्म से क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए देखिए, क्योंकि ये फिल्म आपको परिवार को जोड़ेगा, आपके में प्यार बढ़ाएगा, आपसी सौहार्द बढ़ाएगा, ये फिल्म उस तरीका के माँ बाप की इज्जत करना चाहिए, इस फिल्म का
एक अंश है। उसके बाद हम लोग जो मुहूर्त किए हैं सैया जी MBBS, वो उसके बारे में फिर हम कभी बात करें लेंगे। वो फिल्म भी ऐसे ही है क्योंकि रुस्तम जी की सोच कि मैं कायल हो गया हूँ, और हमारे नंदलाल पांडे जी बोलते हैं कि भाई आप लोग फिल्म करते हैं, लेकिन मैंने सर से भी बोला कि ऐसी ऐसी कहानी लाई है जो अभी तक ना आ सकी हो। तो हम लोग एक भोजपुरी को एक नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ हास्य होता है, प्यार होता है, वहाँ विलेन का भी रोल एक अहम रोल होता है, तो उसमें विलेन का रोल किसने किया? विलेन का रोल इसमें जीतू शुक्ला जी हैं, वो उन्होंने किया। थैंक यू, धन्यवाद। किस तरह का किरदार है आपका, थोड़ा सा डिटेल बताइए। नमस्कार प्रणाम, मैं सिंगर साधना सरगम, और बहुत खुशी हो रही है इस शुभ अवसर पे पांडे सर जी इनवाइट किए हैं तो आने का मौका मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है सभी से मिलके। और इस फिल्म में मेरा किरदार इंस्पेक्टर का है, तो मैं आशा ने पूरा दिल से वो करती हूँ, माता रानी से दुआ करती हूँ कि पिक्चर सुपर से भी ऊपर जाएगा, और यही दुआ है मेरा। हाँ, जब रुस्तम जी ने आपको स्क्रिप्ट सुनाया तो आपको क्या लगा कि इस पे काम करना चाहिए सैया जी में भी? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत सुंदर स्टोरी है, बहुत सुंदर कहानी है। क्योंकि जब ये शूट होगा और रिलीज होगा तो हर कोई इसको देख सकता है फैमिली के साथ में, मतलब बहुत प्यारा ये कहानी है, बहुत सुंदर है। नंदलाल आर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सिद्धि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड प्रेजेंट कर रहे हैं जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे थोड़ा? सर से तो हमारी पहली बार मुलाकात हुई है, बट सर बहुत अच्छे हैं, और सर का भी हम लोग के ऊपर बहुत काफ़ी ध्यान है। वो भी चाहते हैं कि बच्चे लोग अच्छे से काम करें, आगे बढ़े, और जो भी हमारी मेहनत है वो सफल हो। दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर के, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? दर्शकों से यही मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग आशीर्वाद दीजिए कि ये फिल्म अच्छा से अच्छा जाए, और लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखे, यही मैं कहना चाहूँगी। चलिए, जैसे हम कहते हैं कि कोई भी शुरुआत हम रस्म करते हैं तो सबसे पहले गणेश भगवान जी को याद करते हैं, तो दो लाइन रखूँगी गणेश भगवान जी की रचना। मंगल के दाता रौआ बिगड़ी बनाई जी, गौरी के ललना हमरा अंगना में आई जी, गौरी के ललना हमरा सब देवता में रउआ पहले पूजाइले, भगतन के टेर सुने देर ना लगाइले, मुस पे सवार होके दर्शन दिखाई जी, गौरी के ललना हमरा अंगना में आई जी, गौरी से मिलने की तमन्ना है और सैया MBBS का है आज। सबसे पहले सभी मीडिया प्रभारी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं एक्टर शिवम गौड़, मैं ये फिल्म जो है तुमसे मिलने की तमन्ना है, बहुत ही अच्छी और पारिवारिक फिल्म बची और आज के यूथ को देखते हुए ये फिल्म बनी है, जिसके प्रोड्यूसर नंदलाल आर पांडे जी हैं, डायरेक्टर हैं रुस्तम अली चिश्ती जी, जो कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। और इस फिल्म को देखने के बाद लगेगा कि हाँ, भोजपुरी में कुछ चेंजमेंट हो रहे हैं और बदलाव आ रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम उमा शंकर है, और यहाँ पे नंदलाल जी प्रोड्यूसर साहब और डायरेक्टर रुस्तम अली चिश्ती जी ये फिल्म बना रहे हैं कि तुमसे मिलने की तमन्ना है जी। तो हमें यही अरदास करते हैं कि हे दातार कृपा करना कि ये बच्चे लोग को लेकर के नई फिल्म बना रहे हैं, ये फिल्म जो है कि अच्छे ढंग से पारिवारिक फिल्म है, तो अच्छे ढंग से लोगों के दिल और दिमाग पे अपना असर छोड़ पावे। तो इसके लिए अरदास प्रार्थना यही है कि दातार आप कृपा करना कि ये फिल्म बढ़िया ढंग से बने और बढ़िया ढंग से चले, ताकि लोग इनको भरपूर आशीर्वाद देते रहें। क्योंकि पांडे जी बता रहे थे कि ये 14वां फिल्म है हमारा, 14 क्यों ये 1400 तक फिल्म बनावे, तो हमारी यही शुभकामना है कि ये लोग ऐसे सतत आगे बढ़ते रहें और लोगों का विश्वास और लोगों का प्यार ये हर समय प्राप्त करते रहें। सुनिश्चित यार, क्या क्या आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है?
अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में काफ़ी 3-4 फिल्में हैं मेरी जो आने वाली हैं जल्दी, और अभी लेटेस्ट मेरा मास टीवी पे एक सीरीज़ रिलीज़ हुई है हिंदी की, और एक हिंदी सीरीज़ मैंने अभी लास्ट भी की हुई है। मतलब काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो अपकमिंग हैं, और उम्मीद है कि इस साल के जाते जाते आप 2-3 फिल्में मेरी देख लेंगे थिएटर में। और तुमसे पोस्टर लॉन्च हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं अनुज तिवारी। फिल्म तुमसे मिलने की तमन्ना है, फिल्म का आज पोस्टर लॉन्च हुआ, जिस फिल्म का म्यूजिक मैंने किया है, और डायरेक्टर है रुस्तम अली जी, प्रोड्यूसर है नंदलाल पांडे जी, और हीरो अपने सत्येंद्र भाई जी हैं, और बहुत अच्छी फिल्म बनी है। और पूरी टीम को मेरे तरफ से शुभकामनाएं, पांडे जी को खास करके शुभकामनाएं कि आज उन्होंने सेकेंड फिल्म सैया जी MBBS का मुहूर्त भी किया है, और मैं बहुत बहुत सर को बधाई इसके लिए देता हूँ क्योंकि इनकी कंटिन्यू फिल्में मैं किया हूँ, ये उनकी 4th फिल्म है मेरे साथ। और मेरे तरफ से सर को बहुत बहुत बधाई और दुर्गा पूजा की भी शुभकामनाएं। सर, इसमें आपने कौन कौन से सॉन्ग गाए कुछ? हाँ, ये तुमसे मिलने की तमन्ना है, मैं एक डी बाबा के ऊपर बहुत ही प्यारा सॉन्ग है जो मैंने गाया है, और वो गाना मुझे बहुत पसंद, मुझे क्या मतलब, मुझे तो लगता है पूरी टीम को पसंद है कि मतलब दो लाइन है कि भक्तन के मेला लगलबा बहे प्रेम के धार, बाबा तोहरे द्वार, बाबा तोहरे द्वार, बाबा तोहरे द्वार, बाबा तोहरे द्वार। गाना सुनने के बाद ऐसा बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, रिलीज होगा तो सुनने के लिए मिलेगा, और आप सब शुभकामनाएं दीजिएगा। सबसे बड़ी बात है, अनुज भाई के बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, और कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी सिचुएशन हम जब इनको देते हैं कि अनुज भाई ये सिचुएशन है, तो मुझसे ज़्यादा ये वर्क करते हैं। नहीं हो तो 100-100 गाना रिजेक्ट करने के बाद एक गाना सेलेक्ट करते हैं, रुस्तम भाई ये सुनिए ये। और काम में एक होता है ना इंसान का कि काम लगन से ना करना, चोरबजारी करना, चीज़ें करना, अपने कामों पर फोकस ना करना। 1% 12 बजे रात को बोला जाए कि भैया ये चीज़ें मुझे करना है, और हमेशा अलवेज तैयार मिलते हैं, और इनका मेहनत है, लगन है कि आज ये भी चमक रहे हैं बस। नहीं, इनके भी एक खासियत है कि हमेशा नया और म्यूजिक डायरेक्टर का नहीं है कि दूसरे के फिल्म का जैसे पुराने कापी कर लिए पेस्ट कर लिए, नहीं, ये हमेशा नया करने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूँ भाई आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, और हमारे हर फिल्म में कम से कम 2 गाना इनका गाया हुआ रहता है। डी बाबा पर जो गाना है खुद गाए हैं, वाकई में मां सरस्वती इनके तो गले में है ही, ऊपर वाला करम है, और इनका करम, इनका जो लक है शायद मेरे फेवर में आ रहा है, इनके साथ साथ मैं भी थोड़ा ऐसी बात नहीं। और ये हमारे फिल्म के डायरेक्टर साहब है, इनके बारे में मैं 2 शब्द क्या बोलूं तो बोलते जाऊंगा शाम तक। इनकी सोच और डायरेक्टरों से अलग है, और डायरेक्टर लाएंगे आइए सर 2-5 रख देते हैं, 4 गाना रख देते हैं, ये कर देते हैं, नहीं। इनका मेन फोकस था कॉन्सेप्ट, जो आज की जरूरत है, आज की जरूरत में हीरो मायने नहीं रखता, कॉन्सेप्ट ही फिल्म चाहते हैं। हम दिल से आज अच्छे दिन में शुभकामना देते हैं कि भाई इनकी पिक्चर सक्सेसफुल हो, सुपर डुपर हो, हिट हो, और सब लोगों को अच्छा लगे देखने में। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? दिल से शुभकामनाएं, पिक्चर एकदम सुपर हिट हो। गाना बहुत अच्छा लगा, गाना भी अच्छा था, उसके बोल भी अच्छे थे, धुन भी बहुत अच्छी थी, आज गाना ही सुन पाए हम लोग, लेकिन काफी अच्छा गाना था। गाना इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं आप लोगों को? कैसा लोगों को कैसा जाएगा फैन फॉलोइंग इनके गाने पे और इनकी पिक्चरों पे? जबरदस्त हिट है। क्या है कि ये एक तो धार्मिक गाना है जी। और हर गाँव में डीह बाबा का मंदिर है, इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में गाना छा जाएगा। पहला गाना डी बाबा पे है हमारे। पांडे जी, लोगों को तो गाना बहुत अच्छा पसंद आ रहा है, आगे चल के लगता है पिक्चर भी बहुत लोगों को पसंद आएगा, उसके लिए लोगों से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे लोगों से? सबसे पहले तो हमारे वकील साहब हैं जो हाई कोर्ट के वकील हैं, जो अकर जी, और हमारे उसे मैं तो उम्र में बहुत छोटा हूँ, हमारे समधी भी लगते हैं,
और ये हमारे दामाद जी हैं और ये हमारी लड़की है। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा, इन लोग आए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और सभी को मैं ये बोलना चाहूँगा कि जितना जन आए मेरे यहाँ पे आज, सबको मैं थैंक यू दिल से बोलता हूँ, क्योंकि हमको इतना सम्मान दिए, इसके लिए मैं दिल से प्रणाम करता हूँ सबको। और सिद्धि एंटरटेनमेंट आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, एक से एक।